अपनी पत्नी को ससुराल लेने गए एक व्यक्ति का शव हैदरगढ़ की पहाड़ियों में मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने की थी मारपीट, हत्या का लगाया आरोप। केवल तो उसी लेकर चलना पड़ेगा, करी समझे कागज रख ले ऊपर जो सकते हैं अपने कोई निशान है कि बाल को ना फूट जाए। आज ऐसी है हर बार। कहाँ रहते हैं आप? हम विदिशा रहते हैं सर। क्या घटना हुई है सर? मेरे कहा सर 5:30 बजे कॉल आया था सर, 7 तारीख को। वो बोलने लगा कि ले भाई, कह ले मैं, कह ले इधर मेरे किया मारा, कह लगे कह ले सास बहू, कह ले सास ने, तीन ही बहनों ने मारा है मेरे काज, और सुसन ने, साले ने, और बड़ा सालू साड़ू था उधर, महिला था साड़ू था, बेमालू लड़ाई झगड़ा भया, सो भग गया वो मेरे काज। कह ले भाई, कह ले मुश्किल है बच पाऊँ तो, कह लगे उल्टी मुल्टी कर रहे मैंने की मैंने 100 नंबर का फ़ोन लगा मैंने की, कह ले 100 नंबर का मुश्किल भाई, कह ले मोबाइल कह ले डिस्चार्ज हो रहा है मेरा, कह लगे मैं मुश्किल कर लगा पाऊँ, मैंने बोला था उससे। क्या जानकारी लगी, कब जो घटना का पता चला? घटना का सर आज ही पता पड़ा जी, घटना का सर 9 बजे करीब फोन आया था सर मेरे पास। क्या स्थिति में, कहाँ पर देखा? ये चिरवदा की ऊपर पहाड़ी है पास में, उधर देखा सर। तो क्या लग रहा है आपको? सर मारा गया सर उसका उसका जो किसके द्वारा? सास ससुर उनके द्वारा मारा गया, दया सिंह चौधरी, लड़का का नाम संस्कार, बहू का नाम सुरभि, उसकी लड़की का नाम, और उसकी बड़ी बहन का नाम विनीता, और उसके बड़े जीजा जी के नाम उसके देवेंद। मृतक कौन लगते हैं आपके? हाँ भाई, छोटा भाई है। क्या नाम है सर आपका? SI रणवीर सिंह, थाना प्रभारी हैदरगढ़। अभी जो मृतक आए हैं, क्या पूरा घटना है, क्या पूरा मामला है? ये कैलाश अहरवार जी हैं जो कि मानवरा चक निवासी हैं, ग्यारसपुर थाना। तो ये 7 तारीख को इनके ससुराल में आए थे, जो चिरौदा थाना ग्राम चिरौदा है जो थाना हैदरगढ़ में लगता है, उस दिन आए थे अपने ससुराल में ये। उसके बाद से इनके लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी अपनों, 8 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट लिखाई है थाने में। उस दिनांक से ही उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी पुलिस, हर संभव प्रयास किए गए। आज सूचना मिली कि जो ऐसे ऐसे एक व्यक्ति ग्राम चिरौदा की पहाड़ी पर ऊपर मृत अवस्था में है। तो जाके जब तस्दीक की गई, परिवार वालों को बुलाया गया, उनके द्वारा बताया गया कि ये चूंकि उन्होंने पहचान की ये हमारा भाई है, फिर आगे से फिर उसमें अपन ने फिर फॉरेंसिक टीम को, FSL टीम और हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पहुँचा, उसका जांच पड़ताल की, डॉग स्क्वाड भी पहुँचा, उन्होंने भी जांच पड़ताल की। उसके बाद फिर उसको यहाँ लेके आए हैं, PM कराया गया है, और जैसी भी जांच और उसमें FSL रिपोर्ट और PM रिपोर्ट में जो भी जैसा आता है उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के क्या आरोप हैं? परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट की गई है, उस संबंध में अपन वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं।